बेटा हम मानते हैं कि पिछली बार हमारा फैसला गलत था, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी। हम तब भी तुम्हारा भला चाहते थे और आज भी तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बड़े पापा, अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो प्लीज मुझे शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल मेरे करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच कहूं तो मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो सालों से मेरी एसोसिएट रह चुकी है। मैंने आकृति के बारे में कभी ऐसा सोचा तक नहीं है। यार तू अब सोचना शुरू कर दे। अब हम तो कहते हैं तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन आकृति तुम्हारे बारे में जरूर सोचती है। जिस तरह से वो तुम्हारा ध्यान रख रही थी ना, हमें तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। हाँ अनु, वो तो बेहोश था लेकिन हमने देखा उसे, वो तेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। आकृति में वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। हाँ, इतनी संस्कारी है, जाते जाते हमारे पैर छू के आशीर्वाद लिया था उसने। माँ, ये दिखावा भी तो हो सकता है, एक दिन पैर छूने से कोई संस्कारी थोड़ी ना बन जाता है। उस लड़की ने तो हमारे पैर कभी नहीं छुए थे, दिखावे के लिए भी कभी नहीं छुए। वो दिखावा नहीं करती, पर हमने तो उसे कभी गलत नहीं समझा, ना ही इस बात का बुरा माना। तब किसी ने कुछ नहीं कहा तो अब हमारे फैसले पे उंगली क्यों उठा रहे हो? भाभी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इस लड़की को थोड़ा सा परखिए, थोड़ा सा देखिए, समझिए, फिर फैसला लीजिए। जो देखना था, परखना था, हमने परख लिया। अनु, तुम बताओ, तुम आकृति से शादी करोगे या नहीं? मुझे इस वक्त आकृति से शादी करने से ज्यादा शादी करने से प्रॉब्लम है। क्यों? पापा, मैंने अभी तो कहा मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। अनु बेटा, तेरी अगर गुनगुन से शादी हो जाती तब तेरे करियर का क्या होता? मुझे टाइम चाहिए, मैं फिर सोच के बताऊंगा, प्लीज। Most importantly, guys, we are focusing today on the gear mechanism. We have the bevel gears, the hexagonal gears. Miss Akriti Saxena, तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? सर, आप कभी गलत नहीं होते हैं सर, आपकी हर थ्योरी की तरह ये थ्योरी भी वर्क करेगी। डॉक्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कौन है? अरे ये अनु की फियांसे। कल इसी के घर पे तो तमाशा हुआ था। हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में। मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप बाहर वेट कीजिए। वेट माई फुट, तुम अपने आप को समझते क्या हो? पीएम हो, सीएम हो, यूएस के प्रेसिडेंट हो, उनमें भी इतनी अकड़ नहीं होती जितनी तुम दिखा रहे। ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा ऑफिस है। एंड कांट यू सी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रहा है। कांट यू सी, मैं चश्मिश से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। तमीज से बात करो, तुम तमीज की मौसी मत बनो। Stay in your limits. Just shut up. आप लोग प्लीज कैरी ऑन कीजिए, मैं आता हूं। चलो। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैंने तुम्हें फोन करने तक से मना किया था ना, फिर भी तुम अपना मुंह उठा के खुद यहाँ चली आई। अगर तुम माफी मांगने आई हो तो कोई फायदा नहीं है,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। ओह प्लीज, ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। नो, तुम कोई जस्टिन बीबर नहीं हो कि तुम्हारे साथ शादी टूट गई इसलिए मेरा रो रो के बुरा हाल होगा, या मैं सोशल मीडिया पे वो सैड शायरी पोस्ट करूंगी वो भी किसी और की लिखी हुई, या फिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊंगी कि प्लीज मुझसे शादी मत तोड़ो, मुझे माफ कर दो, ऑल दैट नॉनसेंस। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये शादी टूट गई। तुमसे ज्यादा खुश मैं। रियली? तो अब तुम्हारे चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है? आई नो कि स्माइल और तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर एटलीस्ट दिखाने के लिए तो स्माइल कर दो कि तुम बहुत खुश हो। मेरे पास तुम्हारी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं, सीधे सीधे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए। तुम्हें इनवाइट करने, शादी कैंसिल हो गई इसलिए मैं एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ, यू नो ब्रेकअप पार्टी। हंसने वाली बात क्या है? तुम्हारी बात पे नहीं, तुम पर हंस रहे हैं। मुझे लगता था कि तुम एरोगेंट हो, जिद्दी हो, बदतमीज हो, बेवकूफ हो, लेकिन नहीं, तुमने तो बेशर्मी में भी पीएचडी की हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर। पार्टी रात 8 बजे है, तुम वहां पे आ जाना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम नहीं आए तो क्या मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। रियली? कैसे? मैं तुम्हें फोन कर करके तुम्हें परेशान कर दूंगी, और तुम्हें वो 20 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो तो माता रानी खुश होगी वो वाले मैसेजेस पूरा दिन फॉरवर्ड करूंगी। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करवा दूंगा। वॉचमैन के नंबर से करूंगी फोन। मैं रोज यहाँ आ जाया करूंगी, वो भी चलती मीटिंग में। मैं गार्ड से बोल के तुम्हारी एंट्री बंद करवा दूंगा। तो मैं तुम्हें बैड दुआ दूंगी, एक नहीं मैं तुम्हें मल्टीपल बैड दुआज दूंगी, जैसे तुम्हारी चाय में मक्खी गिर जाए, तुम्हारे खाने में से बाल निकल कर आए, और तुम्हारे फोन पे इंटरनेट 4G की जगह 2G की स्पीड पे चले। मैं अभी आई। तुम्हारे कोई भी फोटोज अच्छे ना आए, तुम्हारा चश्मा धुंधला हो जाए, इनफैक्ट तुम्हारा चश्मा टूट जाए। सर, मुझे गुनगुन से कुछ बात करनी है। अकेले में? गुनगुन प्लीज जरा एक मिनट के लिए इधर आओगी? गुनगुन, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी शादी टूटने की वजह से तुम मेंटल ट्रॉमा में होगी, और जब सामने वाला शादी तोड़े तो ईगो हर्ट होती है। लेकिन ऐसे अनुभव सर के ऑफिस में आके तमाशा करना तुम दोनों के लिए सही बात नहीं है। लोग पहले ही बातें कर रहे हैं और तुम उन्हें और मौका दे रही हो तुम दोनों पे हंसने का। और देखो, जब तुम अनु सर के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी तो शादी टूटने पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? और तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? उतनी अच्छी हो नहीं जितनी बन रही हो। मुझे तुम्हारी नहीं, अनु सर की परवाह है, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। लीव हिम अलोन, और उन्हें पार्टी में जाने के लिए फोर्स मत करो। तुम्हारे अनु सर ने मौन व्रत रखा है क्या, हा? कि तुम उनकी पर्सनल असिस्टेंट हो जो उनके बिहाफ में बोल रही हो? इन दैट केस अनुभव सर को बोल देना रात 8 बजे पार्टी में पहुंच जाए। वेन्यू मैं मैसेज कर दूंगी। ओके? एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको अपनी पर्सनल मैटर डिस्कस करना है तो हम बाद में बात कर लेंगे। रास्ता छोड़ो। मिस आकृति सक्सेना, क्या हुआ? मैं गुनगुन को समझा रही थी कि वो आपको परेशान ना करे, पर वो गुस्से में आके मुझे धक्का देके निकल गई।
आकृति तुम्हारी चीख सुनकर हम सब तो घबरा गए थे यार। और गुनगुन, गुनगुन को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, उसने पलट के देखा तक नहीं। Enough, अब तो पापा की परी की पार्टी में जाना ही पड़ेगा। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।